हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एरर्स इन मेजरमेंट। और अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि एनसीईआरटी से है। द सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग ऑफ ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंबल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एंड इन द लास्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म। पहला पार्ट करते हैं बच्चों, मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये हमने कंसिडर किया टी बार, यानी इसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलेंगे। तो हम ये हमारे पास जो डेटा गिवन है ये 5 एक्सपेरिमेंट्स का है, तो हम इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। बच्चों जो रिजल्ट आएगा आपका, दिस इज़ द 2.624 सेकेंड, यानी आपने सबको ऐड किया और 5 से डिवाइड किया, सो दिस इज़ द मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी टाइम पीरियड की ये मीन वैल्यू हुई। क्योंकि बच्चों ये सारा जो हमें रीडिंग्स हैं एक्सपेरिमेंट की ये 2 डिजिट्स में है, तो हम इसको भी 2 डिजिट्स में ही लिखते हैं, दैट इज द 2.62 सेकेंड। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, सो दैट इज द टी बार माइनस T1, सो दिस इज द 2.62 जो आपकी टी बार यानी ट्रू वैल्यू है, माइनस 2.63, दिस इज द T1, दिस इज T2, दिस इज T3, T4 एंड T5। सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज द माइनस 0.01 सेकेंड। सिमिलरली डेल्टा T2 दिस इक्वल टू टी बार माइनस T2। बच्चों ये हमने T1 कैलकुलेट किया, T2, T3, T4 एंड T5 आप सिंपली देख सकते हैं और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो नाउ इन द दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इक्वल टू आपको एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है, और जब आप ऐड करेंगे तो इनके मॉड को ऐड करना है, यानी पॉजिटिव साइन के साथ में ऐड करना है अगर साइन आपका नेगेटिव भी है। सो दिस इज द डेल्टा T1, वी लिख सक वी कैन राइट इट 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 एंड डिवाइड बाई 5। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू होगी आपकी, दिस इज द 0.54/5, दैट इक्वल टू 0.108 सेकेंड। और इसको हम लिख सकते हैं अगर हमें केवल 2 डिजिट में बोला जाए डेसिमल के बाद में, तो 1.1 सेकेंड। नाउ रिलेटिव एरर, सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, सो दिस इज द डेल्टा टी बार, सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, दैट इज द टी बार। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द 0.11/T bar, सो दिस इज द 2.62, सो दैट इक्वल टू 0.04198, सो दैट इज, अगर हम इसको 2 डिजिट में लिखें तो दैट इज द 0.04। अब बात करते हैं बच्चों परसेंटेज एरर, दैट इज द रिलेटिव एरर इंटू 100, सो 0.004 × 100, सो दैट इक्वल टू 4%। नाउ अब बच्चों इस लास्ट पार्ट में पूछा है कि रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो हमें अब इसको फाइनल रिजल्ट लिखना है। तो जो आपकी ट्रू वैल्यू आई है, यानी आपने जो मीन फाइंड आउट किया था, दैट इज द 2.62, और इस
रिजल्ट में आपको अपनी एरर भी बतानी होगी जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर है बच्चों आपकी 0.11 सेकंड। तो बच्चों ये जो ट्रू वैल्यू है और जो आपकी एरर आई है, या तो ये इसके साथ में ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। उसका रीजन देखिए बच्चों, टाइम पीरियड आपका हमारा ये आया, ठीक है। अब या तो टाइम पीरियड हमारा इससे ज़्यादा होगा अगर एरर हमारी पॉजिटिव है, और अगर टाइम पीरियड कम होगा अगर एरर हमारी नेगेटिव है। तो हमें अपना रिजल्ट लिखना होगा कि दैट इज़ द 2.62 प्लस दैट इज़ द माइनस सॉरी 0.11। अगर मेरा टाइम पीरियड में एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड है वो कम है, या हम बोले कि जो हमारा ट्रू वैल्यू आ रही है ये कम है जो एग्जैक्ट रिजल्ट है, तो आप एरर को प्लस करके ऐड करेंगे, और अगर ये ज़्यादा है तो इसको आप माइनस के साथ ऐड करेंगे। तो आप टोटल रिजल्ट लिखेंगे, हमारा टाइम पीरियड है दैट इज द 2.62 प्लस माइनस 0.11, यानी ये हमारी ट्रू वैल्यू है और इस ट्रू वैल्यू में हमारी ये एरर हो सकती है। जहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड टी हमारा 2.62 है और इसमें प्लस माइनस 4% की एरर है। सो हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2.62 प्लस माइनस 4%, और रिजल्ट हमारा सेकंड में है। सो दिस इज द वे। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट शीट फॉर फर्दर एनालिसिस।